परिवार भरोसे अखिलेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। समाजवादी पार्टी की सियासत एक बार फिर परिवार के इर्द गिर्द लौटती दिख रही है। लगभग 6 सीटों पर यह तय है कि परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़ेंगे, यानी एक बार फिर बीजेपी को समाजवादी पार्टी हमले का खुला निमंत्रण दे रही है, जिसमें बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। खैर, ये तो सियासी बयानबाजी है, लेकिन फिलहाल जो संकेत दिख रहे हैं उनसे सवाल तो बनता ही है कि आखिर समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता में हमेशा परिवार ही क्यों होता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी का बड़ा प्लान क्या है। समाजवादी पार्टी क्या परिवारवाद से ऊपर उठने का निर्णय नहीं लेगी, और जो आरोप बार बार भारतीय जनता पार्टी लगाती है, क्या उसकी कोई फिक्र समाजवादी पार्टी को नहीं है। तो देखिए, परिवार के सहारे अखिलेश यादव की नैया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। सपा का गढ़ रही इस सीट को बीजेपी ने उपचुनाव में सपा से छीन लिया। आजमगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां 2024 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव के भी उतरने की चर्चा है, वो फिरोजाबाद से मैदान में उतर सकते हैं। दरअसल बदायूं से धर्मेंद्र यादव सांसद रहे, लेकिन फिलहाल वहां की सांसद संगमित्रा मौर्य हैं, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, लेकिन बीजेपी में हैं। संगमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, और सूत्र की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले वो सपा का दामन थाम सकती हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव, पूर्व सांसद अध्यक्ष, सभी जो है लाइन में है। तो मुलायम सिंह यादव पांच भाई थे, जिनमें सबसे बड़े अभय राम यादव थे। तो सपा के लिए कुनबा हमेशा से अहम रहा है। अभय राम के बेटे हैं धर्मेंद्र यादव, जो 3 बार सांसद रहे हैं, और अभी भी आगे भी उन्हें टिकट दिया जा सकता है। दूसरे नंबर के भाई रतन सिंह यादव के पोते हैं तेज प्रताप यादव, ये भी सांसद रह चुके हैं। इसी के साथ मुलायम सिंह यादव खुद तीसरे नंबर पर हैं, जिनके बेटे अखिलेश यादव पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल विधायक हैं। तो अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं। तो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे प्रतीक की पत्नी अपर्णा भी सक्रिय हैं राजनीति में, लेकिन बीजेपी के साथ हैं। तो चौथे नंबर के भाई राजपाल सिंह यादव के बेटे अंशुर यादव लगातार दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। सबसे छोटे शिवपाल यादव कई बार के विधायक और मंत्री रहे हैं। तो आखिर समाजवादी पार्टी अपने कुनबे में ही सिमट कर क्यों रह जा रही है? क्या इससे राजनीति का जो बड़ा भविष्य है उस पर संकट है, क्योंकि युवाओं को मौका नहीं दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया जाएगा, तो पार्टी की गाड़ी आखिर कैसे बढ़ेगी? क्योंकि कार्यकर्ता जो ग्राउंड जीरो पर मेहनत करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, अगर उन्हें ही रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा, उन्हें ही पद नहीं दिया जाएगा, तो आखिर वो किस तरीके से प्रोत्साहित होंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? तो बड़े सवाल हैं जो कि समाजवादी पार्टी के लिए हैं। और इसी के साथ बीजेपी के उन आरोपों में भी दम दिखता नजर आता है, जब बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद से ऊपर नहीं उठने वाली है। पूछेंगे दोनों से ही सवाल और करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा कि आखिर अखिलेश यादव क्या एक बार फिर से 2024 से पहले परिवार के सहारे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट भी दिखाते हैं। 24 के चुनाव में सपा का फैमिली फ्रेम, फिर परिवार दौड़ाएगा साइकिल, फिर परिवार भरोसे समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पर परिवारवादी होने का आरोप बीजेपी हमेशा से लगाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो 24 के चौसर में एक बार फिर समाजवादी पार्टी आलाकमान परिवार के भरोसे ही है, जिसके संकेत मिलने शुरू हो गए। सवाल उठता है कि हर चुनाव में सपा की प्राथमिकता में परिवार ही क्यों होता है, कार्यकर्ता क्यों नहीं? और अगर कार्यकर्ता को दूसरे दर्जे का मानती है समाजवादी पार्टी, तो चुनाव दर चुनाव हार पर एतराज क्यों? क्योंकि मेहनत कार्यकर्ता करे और मलाई परिवार के लोग खाए, तो जाहिर है कार्यकर्ताओं की नाराजगी स्वाभाविक है। हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की जो तैयारी दिख रही है, उसमें भी परिवार का बोलबाला है। खबर है कि शिवपाल यादव आजमगढ़ सीट से दावेदारी कर सकते हैं। सपा का गढ़ रही इस सीट को बीजेपी ने उपचुनाव में सपा से छीन लिया था। 2024 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव के भी उतरने की चर्चा है, वो फिरोजाबाद से लड़ सकते हैं। दरअसल बदायूं से धर्मेंद्र यादव सांसद रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहां के सांसद संगमित्रा मौर्य हैं। संगमित्रा स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले वो सपा का दामन थाम सकती हैं।
इसके अलावा पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव, पूर्व सांसद अक्षय यादव का भी चुनाव लड़ना लगभग तय है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, सीधा मेहमानों से आपको रूबरू कराती हूं। संजीव मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राघवेंद्र द्विवेदी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत खास हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और शुरुआत कपीश जी आपसे, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यही फिलॉसफी जो है समाजवादी पार्टी मानती है, बीजेपी इसका आरोप भी लगाती है, 24 से पहले भी यही रणनीति रहेगी? एक बात बताएं कि ये देश स्वतंत्र हो क्या है राजतंत्र? भारतीय जनता पार्टी के लिए राजतंत्र है क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में राजदंड की स्थापना करते हैं, तानाशाही पूर्वक सरकार चलाएंगे, लोकतंत्र को बचाने की जगह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे। जहां निर्वाचन छिपा होता है वह निर्वाचन कौन करता है? कोई पार्टी या पार्टी का प्रमुख करता है? सांसद कौन चुनता है? विधायक कौन चुनता है? एमएलसी कौन चुनता है? जब यह जनता चुनती है और जनता चुने हुए प्रतिनिधि जाकर के किसी पद पर बैठते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें जो है परिवारवाद है? जनता परिवारवाद कर रही है। आप अगर सपा को वोट देंगे तो इसका मतलब लेकिन क्या हुआ? प्रत्याशी तो पार्टी ही चुनती है, के परिवार के हिस्सा हो गए, ऑप्शन तो जनता को आखिरकार पार्टी ही देती है कि वो भी जनता देती है। कपीश जी उन्नति एक बात और बता दें, 111 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वर्तमान समय में, जितने लोगों का नाम लिए हैं इनमें से कितनी जगह पर समाजवादी पार्टी के एक परिवार के लोग हैं बताइए कहां है? दो तीन के बाद चार गायब और 111 का मतलब नहीं, तो 24 से पहले आजमगढ़ की क्या स्थिति रहेगी? आजमगढ़ पर आखिर समाजवादी पार्टी किसके लिए विचार कर रही है? क्या इस बार भी परिवार के ही किसी सदस्य को मौका दिया जाएगा? सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि कई ऐसे हकदार लोग हैं जो पीछे रह जाते हैं लेकिन राजा का बेटा ही राजा बन जाता है, इसलिए सवाल उठते हैं। सवाल मैं ये बीजेपी से भी पूछ सकती हूँ कि बीजेपी क्या कर रही है, क्या उसकी रणनीति है? लेकिन बीजेपी की रणनीति साफ है, जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनको मौका दिया जाता है। उन्नति एक बात साहब, समाजवादी परिवार पूरा परिवार है, उसी का एक मैं हिस्सा हूं, ठीक है, और जहां पे हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जिसको चाहती है चुनाव लड़ाती है, अगर 80 विधानसभा सीट है, अगर 80 लोकसभा सीट है तो 80 पे कौन लड़ेगा और कहां से लड़ेगा तो वो चीज हो जाएगी। अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में चली जाए तो वो परिवारवाद नहीं है, शिवपाल जी अलग हो तो दूसरी बात कहेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, और जब वो समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन फिर कपीश जी आप इसे पार्टी में लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, जब आखिर परिवार का ही सदस्य को बैठाना है तो फिर इसे लोकतंत्र आप नहीं कह सकते? मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूं। संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी में कहां लोकतंत्र है? नड्डा साहब दूसरी बार चुने गए थे, कितने लोगों ने खड़ा होकर के मत दिया था जरा बताइए। देखिए, कामों के बलबूते पर किसी का कार्यकाल एक्सटेंड करना और बरसों से जो पारंपरिक सीट रही है वो परिवार के खाते में रखना, दो अलग अलग बातें हैं, आप इसको समझ नहीं पा रहे कपीश जी। हार गए नड्डा साहब, नड्डा साहब हिमाचल से आते और हिमाचल नहीं बचा पाए, क्या मतलब है? ये चुन कौन रहा है? वन मैन आर्मी टू मैन शो है भारतीय जनता पार्टी। जेपी नड्डा किसके रिश्तेदार आपको लगते हैं? मैं तो आपको साफ कह रहा हूँ, ये पॉकेट के आदमी है, एक परिवार के आदमी है, अंबानी और अडानी जैसे इनके अपने हिस्सा हैं। देखिए कपीश जी, कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो कल्पना, अगर कल्पना पर ही चलना चाहते हैं तो कुछ भी कल्पना की जा सकती है। संजीव जी भी बेहतर कल्पना कर सकते हैं फिर तो, ठीक है, चलिए आप मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। जसवंत सिन्हा क्यों नहीं है, जसवंत सिंह और उनके परिवार, ठीक है, अब मैं संजीव जी से सवाल करती हूँ, आपको पर्याप्त समय दिया मैंने। संजीव जी देखिए, लगातार बीजेपी जो है ये बड़े आरोप लगाती है कि परिवारवाद है समाजवादी पार्टी में, बीजेपी की क्या रणनीति है? अब आने वाले समय में बीजेपी क्या एक उदाहरण सेट करने वाली है? क्योंकि आरोप आप लोग पर भी लगते हैं, कई बार ऐसा होता है, अभी निकाय के चुनाव हुए उसमें भी आप लोग ने मंत्री की बेटियों को टिकट दिया गया, तो इसको लेकर भी सवाल उठते हैं, तो उदाहरण सेट करने की जरूरत है। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथी ने अपनी ही बात में स्वीकार किया कि वो एक परिवारवादी पार्टी है,
उन्होंने कहा कि जो परिवार के लोग भी होते हैं उनको जनता चुनती है। अब जब जनता चुनती है तो जनता लगातार आपको नकार रही है, आपको हटा रही है, और आप इस बात को मुझे लगता है आत्मचिंतन नहीं कर रहे, ना आपकी पार्टी आत्मचिंतन कर रही है। बड़ी अजीब स्थितियां हैं, जनता ने नकार दिया आपको, ये भी आप स्वीकार नहीं कर रहे, और परिवार के लोग अगर चुनाव आप लड़ाते हैं तो फिर वो परिवार के लोगों को जनता चुनती है। तो ये इनकी बातों में इनका जवाब आ गया। अब जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी का, तो इनके पास मुद्दे नहीं है, ये मुद्दा विहीन दल है, जनता से इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एक तरीके से शुद्ध परिवारवादी पार्टी, गुंडों और अपराधियों को पालने पोसने वाली पार्टी। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तो उन्होंने शुरू में कहा था कि गुंडों अपराधियों का स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, या तो जेल में होगा या फिर रेल में होगा। तो हालात बिल्कुल साफ हैं, स्थितियां हैं। अब इनके पास वो गुंडे अपराधियों की फौज समाप्त हो गई जिनको पालने पोसने के आधार पर 2000 मुझे लगता है कि 12 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में ये जीत करके आए थे। अब वो स्थितियां नहीं रह गई। अब स्थितियां साफ हैं कि परिवार के ही कुछ चुनिंदा लोगों को ये चुनाव लड़ेंगे, और परिवार के कुछ लोगों के अलावा बाकी इनके पास कोई कार्यकर्ता नाम की चीज है नहीं। दूसरी तरफ हमारी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने पन्ना प्रमुख के बल पर, अपने बूथ लेवल के संगठन के बल पर हम डबल इंजन की सरकार के विकास के कामों को ले जाते हैं जनता के बीच में, और घर घर जनता को इस बात का को प्रमाण कर देते हैं कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो जनता के हितों के काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता, अभी वैश्विक महामारी कोरोना आई तो इनके नेता का कहना था ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, हम तो इसको नहीं लगवाएंगे। और परिणाम लगातार जनता ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल तो कोई भी नहीं है लगातार दिए, लेकिन फिर भी रणनीति पर गौर करने की जरूरत है 24 से पहले सभी पार्टियों को। ठीक है राघवेंद्र द्विवेदी जी, आऊंगी कपीश जी आपके पास भी मैं। राघवेंद्र जी देखिए, बड़ा सवाल यही है कि 24 से पहले हम ये नहीं बात कर रहे कि नेपोटिज्म की बात हम करें, लेकिन बात यह है कि हकदार जो है उसका हक नहीं मरना चाहिए। सवाल सिर्फ इतना सा है। देखिए अभी मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सपा के जो भी प्रत्याशी चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि जो प्रत्याशी फाइनल किया जाता है वो सपा पार्टी के द्वारा किया जाता है। अगर सपा पार्टी परिवार के बाहर भी किसी को टिकट देगी तो परिवार के बाहर के लोगों को भी टिकट जनता वोट देगी। बिल्कुल। और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, सही बात है कि सपा सरकार में रहते हुए, पूर्ण बहुमत की सरकार में रहते हुए भी 2017 में गठबंधन करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं सपा की इसमें नाकामी है। और मैं चुनाव आजमगढ़ का देख रहा था, एक दिन में कई बार प्रत्याशी बदले गए, ऐसा क्या कारण था? तो मुझे तो यही लगता है कि समाजवादी परिवार जो है, अखिलेश परिवार गिर के रह गया, पूरी समाजवादी पार्टी केवल अखिलेश का परिवार गिर के रह गया है। और ये कपीश जी कह रहे थे कि अर्पणा जी भी उसी परिवार में, नहीं, अर्पणा जी भाजपा में गई है तो वो समाजवादी परिवार में नहीं है, वो दूसरे पार्टी में है, वो परिवारवाद उसको नहीं कहा जाएगा। अगर परिवार में चार सदस्य हैं, चार पार्टी में है तो वो परिवारवाद नहीं है। जी बिल्कुल, मशीन में धुल गई। कपीश जी देखिए, घूम फिरा कर फिर कर ये सवाल यही बनता है कि आखिर आजमगढ़ जो उपचुनाव में आप लोग हार गए, जो आपकी ही गढ़ था, बावजूद इसके अगर हार पर मंथन नहीं किया जा रहा है तो वजह तो सोचने की जरूरत है समाजवादी पार्टी को। हार पर मंथन और चिंतन की जरूरत ही नहीं है। ये तो फिर चुनाव मिलाकर ओवर कॉन्फिडेंस है आपका। नहीं नहीं, जो उपचुनाव हुए हैं उस उपचुनाव में जिस तरीके से प्रशासन का यूज हुआ है, जितनी रेड नोटिस दी गई हमारे कार्यकर्ताओं को, कपीश जी देखिए, एक तो परिवार एक तो आप लोग कंफर्ट जोन की हमेशा बात करते हैं, और दूसरी बार अगर आप लोग नहीं जीत पाते तो आप लोग फिर ईवीएम पे आ जाते हैं, गड़बड़ी पर आ जाते हैं, मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए बीजेपी कह रही है कि मुद्दा विहीन है। ना, ये मुद्दा ही है, वो मुद्दा विहीन है, क्योंकि आपने देखा जिस चीज पे आप बात कर रही थी, हमारे मित्र संजीव जी उस पर बात ही नहीं कर रहे। भाई राजनाथ सिंह के पुत्र के अंदर परिवारवाद नहीं दिखता। दिखता क्या? धूमल साहब के पुत्र के अंदर नहीं दिखता। दिखता क्या? और राजेश सिंधिया के परिवार के अंदर आपको नहीं दिखता क्या?
तुलना करने से, तुलना करने से उनके अंदर अगर आप कपीश जी इस तरीके से तुलना करेंगे तो आप जस्टिफाई खुद को ऐसे ही करना चाहते हैं। मैं बार बार आपको इस बात को कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जहाँ निर्वाचन होता है वहाँ परिवारवाद नहीं होता, और जहाँ निर्वाचन होता है तो आजमगढ़ से फिर आप लोग डेयरिंग बनिए, मैदान में उतारिए किसी कार्यकर्ता को आजमगढ़ से। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जरा 10 सेकंड का समय मुझे दे, बता दीजिए। बिल्कुल आऊंगी संजीव जी। परिवार, एक परिवार के कितने लोग हैं 111 विधायक में, नहीं बता पाइएगा कि कितने हैं भाई? मैं तो ठीक है संजीव जी, इसका जवाब आपको देंगे। संजीव जी जल्दी से अपनी बात रखिए, मैंडेट को आप चैलेंज ना करें क्योंकि ये जनता की बेइज्जती कर। देखिए एक चीज तो बात तय हो गई, जनता जब ये नाम ले रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रत्याशी, आप परिवार का है कपीश जी, जरा इनको रोके तो मैं अपनी बात रखूं। ठीक है कपीश जी, अब एक मिनट तो मैं अपनी बात रखूं। अपना प्रत्याशी, ठीक है संजीव जी आप अपनी बात रखिए। कपीश जी मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया है, आप सुनने को तैयार नहीं हो ना ही मानने को तैयार है समाजवादी पार्टी। जरा इनको रोके तो मैं अपनी बात रखूं। ठीक है अंदर अगर कोई, ठीक है कपीश जी की आवाज डाउन कर दीजिए एक मिनट, ये तो गलत बात हो गई तो मुझे बताइए। संजीव जी आप अपनी बात रखिए, हमारी पार्टी का लोकतंत्र है ये, हमारी ठीक है कपीश जी, मंच नहीं है संबोधित करने का, ये कपीश जी संबोधित करने के लिए नहीं है ये मंच। आइए आइए, मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। संजीव जी जल्दी से अपनी बात रखिए, अगर इनको रोके तो मैं इनको लिस्ट से अवगत कराऊ। पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, और आने वाला समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो अर्जुन यादव होगा। वो अर्जुन यादव होगा, इसलिए इनको खलबली बच रही है, और कोई नहीं होगा। अर्जुन यादव होगा समाजवादी पार्टी अगर अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष में, कितने भले ही ये पार्टी गर्त में चले जाए, यादव परिवार कहने का मतलब साफ है तो मुझे बताइए कितने परिवार दिखाई देता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर समाजवादी पार्टी किसी गैर यादव पर भी भरोसा जता देना तो भारतीय जनता पार्टी का मुंह ऐसे ही बंद हो जाएगा, इतनी बहस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धोखा किया, मैं तो आपको साफ कह रहा हूँ, ये हमारे समाजवादी पार्टी के अंदर लोकतंत्र 111 विधायक में बताइए कितने धोखा देने वाली पार्टी है। आप भी पूर्व की बात करेंगे, मैं 2024 से पहले की बात कर रही हूँ। आजमगढ़ में आप लोग एग्जांपल रख दीजिए, किसी गैर यादव को बैठाइए, परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति रखिए प्रत्याशी। कपीश जी ठीक है, संजीव जी मैं आपके पास लौटती हूँ। कपीश जी मेरा सीधा सीधा सवाल है, 2024 से पहले आजमगढ़ में किसी आप गैर यादव को बैठाएंगे, जगह देंगे क्या? किसी कार्यकर्ता को जगह दे सकती है समाजवादी पार्टी? अगर ऐसा कर सकते तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही चुप हो जाएगी। बात कह रहा हूं, जो कार्यकर्ताओं की डिमांड होती है जहां पर, वही नेता वहां पर चुनाव लड़ता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो आजमगढ़ में, यानी कि कोई कार्यकर्ता कोई काम नहीं कर रहा है आपके हिसाब से? वही लड़ेगा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है तो आजमगढ़ में कोई कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है ये समझू मैं? नहीं, क्या बनारस में कोई कार्यकर्ता है इनके पास? बनारस कोई अभी तो बात करता है, मतलब समाजवादी पार्टी से अगर मैं सवाल करूंगी तो आप बीजेपी में चले जाएंगे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी संजीव जी से। गुजरात से भारत की आबादी, कपीश जी आप मुझे बस हाँ और ना में इतना सा जवाब दे दीजिए कि आजमगढ़ में आने वाले समय में विचार करेगी पार्टी? आजमगढ़ से चुनाव हमारे जो कार्यकर्ता जिसको कहेंगे हम लोग उनको चुनाव लड़ाएंगे, और शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव इन्हीं फिर से दिखेंगे प्रत्याशी, इसका आप आश्वासन आज न्यूज़ वन इंडिया पर दे जाइए। वाराणसी में कोई दूसरा नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास? बनारस में कोई संसद के लिए और दूसरा नेता नहीं करना है इनके पास? आप खुले शब्दों में कपीश जी, कपीश जी इन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया, इन्होंने 2012 में कहा था मुसलमानों के अलावा कोई भाजपा का है जो बनारस में चुनाव लड़के जीत सके, नौजवानों के साथ धोखा चैलेंज कर रहे हैं, बताइए इनका कौन सा नेता है जो नरेंद्र मोदी जी जिसकी हकमारी करने चले हैं? 47 पे आ गए तो उसी का पड़ा। नरेंद्र मोदी जी इनके किस नेता और किस कार्यकर्ता की हकमारी करने के लिए बार बार गुंडों अपराधियों का बल बढ़ा रहे हैं? लोकसभा में जाना चाहते हैं? संजीव भाई बताइए, मोदी जी जो है वाराणसी से
क्या कार्यकर्ता की आपके हकदारी करने के लिए बैठे हुए हैं? अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं जब बता दूं आपको, बड़ा चैनल है आपका, वाराणसी में क्या उत्तर प्रदेश में कोई भाजपा का नेता नहीं रहा? लोकसभा के चुनाव में 2024 में काता नहीं कोई लड़ा? बनारस में आपका कोई नेता नहीं? परेशान है नरेंद्र मोदी जी गुजरात में। कपीश जी, कपीश जी, देखिए बार बार समाजवादी पार्टी के अंदर ही दोनों की आवाज डाउन कीजिए। कपीश जी देखिए, बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से ही ये आवाज उठती है कि आखिर मेहनत हम करते हैं लेकिन अध्यक्ष कोई और बन जाता है, और जो मलाई है वो रेड कारपेट जो है अखिलेश यादव के लिए बिछा दिया जाता है, लेकिन कार्यकर्ता जो ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रहे हैं उनको फल कब मिलेगा? आखिर क्यों रहे फिर वो समाजवादी पार्टी में? उनको तो एक वजह दीजिए। उन्नति हमारे कार्यकर्ता ही सब चुनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव हुआ था, शायद आपने लखनऊ में देखा होगा। तो हम जब सारे लोग जिसको चुने, अब आप कह दीजिए आप इनको ही क्यों चुनते हैं? भाई अजीब सी बात है, ये हमारे पार्टी का लोकतंत्र, ये हमारी खुशी है कि हम किसको चुनेंगे। इसके लिए हम किसी से निर्देशन थोड़ी लेंगे। देखिए चुनने के बाद, नहीं है चुनने के बाद आप उससे लोकतंत्र कह देते हैं, तो इसे कैसे आप कह सकते हैं? आप ये मानने को तैयार नहीं कि आजमगढ़ में अब चुनाव होंगे 2024 से पहले, आप किसी ऐसे को जगह दीजिए जो हकदार हो वाकई उस सीट पर, जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं ग्राउंड जीरो पर, संगठन मजबूत करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं, उनको क्यों नहीं जगह दी जाती है? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वाराणसी में प्रधानमंत्री जी को जगह क्यों दी जाती है? ठीक है, आजमगढ़ में पूछ रही हूँ, वाराणसी का चलिए मैं पूछती हूँ, आपके कहने पर संजीव मिश्रा जी से पूछूंगी, लेकिन आप मुझे आजमगढ़ का जवाब दीजिए। कपीश जी आप मुझे आजमगढ़ का जवाब दीजिए। जगह है वाराणसी में कोई प्रधानमंत्री जी को कार्यकर्ता नहीं दिख रहा क्या? क्यों उसकी हकमारी कर रहे हैं? अरे ये आपकी पार्टी की स्वतंत्रता है, आप नहीं, क्या मतलब होता है? कपीश जी आप मानने को तैयार नहीं है यानी? आप अपने घर में, आपने जो बात घुमाई है वाराणसी, वो सबको तो समझ में आ रहा है। वाराणसी में जो आपने बात घुमा दी है वो सबको समझ में आ रहा है। संजीव जी घुमा नहीं दिए, अगर आपके पास ही जवाब, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं कपीश जी, आप क्योंकि जवाब नहीं दे रहे हैं। आजमगढ़ पर आप आश्वासन देके जाइए कि समाजवादी पार्टी निर्णय लेगी। जो बात आप हमसे पूछ रही है वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो सवाल के बदले आप सवाल करेंगे, जवाब नहीं देंगे, यही तो मेरा कहना है। ठीक है संजीव जी, पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। देखिए आप पर भी कीचड़ उछालेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि जनता सब देख रही है, क्या कुछ कहेंगे संजीव जी? नहीं नहीं, क्या जनता जी देख रही है? पूछिए इनके पास वाराणसी में कोई है क्या कार्यकर्ता जिसको ये टिकट दे? आप अपना गड़ी हार गए, जनता ये कहना चाह रही है, आपको समझाना चाह रही है, लेकिन समझने को तैयार नहीं है समाजवादी पार्टी। अरे आप क्यों क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? आपके घर में तो हम नहीं बता। ठीक है चलिए संजीव जी, आप अपनी बात रखिए। संजीव जी देखिए, देश का गंभीर चुनाव है लोकसभा का 2024 का चुनाव, और ऐसे समय में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में खाता नहीं खुलने जा रहा है। ये ले दे करके अपने परिवार के कुछ लोगों को इसलिए लड़ाना चाहते हैं कि शायद खाता खुल जाए। ठीक है, मैं आपको तो उम्मीदें बड़ी हैं, दिलाता हूँ कि जिन्होंने 2012 से 17 तक मुसलमानों के साथ धोखा किया, या मुसलमानों को आरक्षण देने जा रहे थे, मुसलमानों के साथ धोखा किया, नौजवानों के साथ धोखा किया, हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट देने जा रहे थे, 5 साल की सरकार। ठीक है देखिए, 80 का दावा सभी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन किसके दावे में दम है ये देखने वाली बात होगी। वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 से एक बार फिर से अखिलेश यादव परिवार के सहारे ही हैं? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि आजमगढ़ पर फिर से एक बार विचार किया जा रहा है कि कोई परिवार का सदस्य ही प्रत्याशी बनाया जाए। आखिर फिर ऐसे राजा का बेटा ही अगर राजा बनता रहेगा तो हकदार कहां जाएंगे? फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।